पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया था बॉस। विपक्षी मीटिंग के बाद पीएम मोदी के सम्मान में डिनर पार्टी का आयोजन। डिनर के बाद भारत लौटेंगे पीएम मोदी। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। भारत को बताया दुनिया की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री। भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बोले पीएम मोदी। कहा भारत तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा बॉस है भारत के प्रधानमंत्री मोदी। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। ब्रिस्बेन में खुलेगा नया काउंसलेट। सिडनी में कलाकारों ने पेश किए कई भारतीय डांस फॉर्म। सिडनी पहुंचे कलाकारों ने लोक नृत्यों से बांधा समा। सिडनी में भी दिखा नाटू नाटू गाने का जादू। स्टेडियम में थिरकते दिखे लोग। नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट कर सकता है विपक्ष। तृणमूल कांग्रेस सीपीआई और आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। संसद भवन के उद्घाटन पर सवाल को लेकर बोले हरदीप पुरी। इंदिरा राजीव गांधी कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं कर सकते संसद भवन का उद्घाटन। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी साथ रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में जुटे केजरीवाल। कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात। ममता बोली अध्यादेश का विरोध करेंगी। ममता बनर्जी से मिलने के बाद बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा जहां बीजेपी की सरकार नहीं वहां की राज्यपाल कर रहे परेशान। आज शाम 4 बजे उद्धव ठाकरे से मिलेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुंबई में उद्धव के घर पर होगी मुलाकात। नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर बिहार सरकार में मंत्री सर्वजीत कुमार का बयान। बोली ये विपक्षी एकता नहीं बल्कि देश की एकता। आने वाले चुनावों की तैयारी में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पार्टी नेताओं की बुलाई बैठक। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले 1 महीने से पहलवानों का प्रदर्शन जारी। खाप महापंचायत ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत की घोषणा की। अभी और उग्र हो सकता है पहलवानों का प्रदर्शन। बजरंग पुनिया बोले देश के अलग अलग जिलों में होगा आंदोलन। श्रीनगर में G20 बैठक का आज तीसरा और आखिरी दिन। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की लगातार मीटिंग जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। देहरादून में G20 सम्मेलन के लिए आए मेहमानों का स्वागत। पारंपरिक डांस के साथ किया गया स्वागत। G20 समिट में बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का हुआ सफाया। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। बोले धारा 370 हटने के बाद अब बच्चे पत्थर नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। समीर वानखेड़े को सीबीआई ने भेजा समन। आज पेश होने को कहा। आर्यन खान मामले में होगी पूछताछ। आज से 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची में आईआईटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। झारखंड उच्च न्यायालय के नए परिसर का करेंगी उद्घाटन। मध्य प्रदेश की धार में चलती बस में हुई कंडक्टर की मौत। हार्ट अटैक से हुई मौत। बस में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। Z News.